नागपुर के कलंदा क्षेत्र में सब्जी व्यापारी संतोष कार्तिक साहू के साथ हुई बड़ी लूट की घटना ने सनसनी फैला दी है। 1 अक्टूबर 2024 की शाम 7:45 बजे जब साहू अपनी रिक्शा MH 49 V 1612 में 2,75,000 रूपए नकद लेकर घर लौट रहे थे, तभी एक टी पॉइंट पर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला किया। पीछे बैठे हमलावर ने शाहू की गाड़ी रुकवा कर धमकाया, जिससे शाहू घबरा के और गिर पड़े। पीछे बैठे हमलावर ने साहू की गाड़ी रुकवा कर धमकाया, जिससे साहू घबरा के और गिर पड़े। इसके बाद दो हमलावर उतरे और साहू की गाड़ी लेकर फरार हो गए, जिसमें नकदी और कागजात थे। संतोष साहू ने घटना की रिपोर्ट कलंदा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने CCTV फुटेज का निरीक्षण किया। फुटेज में तीनों हमलावरों की पहचान हुई है, जिसके बाद पुलिस ने मास्टरमाइंड जयराज उर्फ सोनू वर्मा और उसके साथी नरेश उर्फ दादू वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में पता चला कि जयराज ने रुपेंद्र और गोलू की सूचना पर इस लूट की योजना बनाई थी, जो 4 साल पहले संतोष साहू के यहाँ कुली का काम करता था। दोनों के बीच विवाद के चलते गोलू ने बदला लेने की योजना बनाई। अब तक 1,06,000 रूपए नकद और 2 दुपहिया वाहन बरामद किए जा चुके हैं। आरोपी नावेद अभी भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश करी है। उक्त कार्यवाही निकेतन कदम, पुलिस उपायुक्त सर्कल C5 और विशाल शिरसाकर, सहायक पुलिस आयुक्त काउंटी डिवीजन के मार्गदर्शन में पुलिस टीम द्वारा की गई। इसमें हमारे डीबी टीम के PSI रामलोड साहब और दोनों डीबी टीम, उसमें से शाहू और उनके सभी सहकारी, इन्होंने इसमें दिन रात मेहनत करके इन आरोपी को अरेस्ट किया है। ये 24 घंटे के अंदर ये गुना हमने डिटेक्ट कर दिया है, उसके नाम हमको मालूम पड़ गए थे और एक एक करके हमने अभी तक 7 लोगों का अरेस्ट कर लिया है। हमारे यहाँ की फिर अजी संतोष कुमार साहू, इनका कलमना मार्केट में भाजी पार्लर का व्यवसाय है। इनका शॉप कलमना मार्केट में है। वो हमेशा दुकान बंद करके घर जाते वक्त वो जितनी कैश रहती है वो खुद साथ लेके जाते थे और फिर से सुबह दुकान खोलने के टाइम पे लेके आते थे। तो इसकी जानकारी उसके पहले चार साल पहले एक हमाल करके काम कर रहा था, उसका नाम है रुपेंद्र साहू, ये इनके पास काम करता था। 8-1 महीना काम करने के बाद उनमें विवाद हो गया, तो विवाद होने के बाद इसने काम छोड़ दिया था। तो रुपेंद्र साहू ने फिर उसके बाद दुश्मनी निकालने के लिए फिर इसके दोस्त जो जयराज वर्मा, इसको इन्फॉर्मेशन दे दिया कि बाबा उसको जयराज वर्मा को पैसे की जरूरत थी, वो उसको पैसे चाहिए थे, उसने इसको मांगा रुपेंद्र साहू को, तो उसको बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं तुम्हारे को काम दे सकता हूँ, मेरा जो मालिक है तुझे उसके गाड़ी में हमेशा पैसे रहते हैं रात को जाते हुए। वैसी इन्फॉर्मेशन देने के बाद जो मास्टरमाइंड है अपना वर्मा, जयराज वर्मा, इसने उसके दोस्त लोग जो उसमें से राजा खान और उसका दोस्त दीनानाथ पोनीकर, फिर कलीम सलीम खान, नावेद नीलेश वर्मा, इनको साथ में लेके फिर उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाया कि रात में समय जाते वक्त जो सागरी इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री है वहाँ पे उनको लूटा जाए, वो सुनसान जगह है, तो रात में ये अपना दुकान बंद करके उसका रूट के हिसाब से वो जा रहा था अपने घर। तो उसने इन सभी नर्स 8 लोगों ने, उसमें से 4 लोगों ने रिकी किया था पहले से और उनको टिप देता था, टिप दी गई कि बाबा अभी इधर से निकला है, इधर उधर से निकला है। और बाकी के 3 जो है उसमें से नीलेश गंगाधर वर्मा, राजा उर्फ भुरू रियाज खान और जा नावेद, इन्होंने तीनों ने मिलकर स्प्लेंडर बाइक से आके उसको सागर इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री के पास रुका के उसकी गाड़ी छीनी और वो भाग गए। भागने के बाद उन्होंने उसमें रखे हुए जो 2,70,000 थे वो भी वो लेके चले गए। इसकी अपने को जानकारी मिलने के बाद सागर इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री और आजू बाजू के जितने भी कैमरे हैं, CCTV फुटेज लगे हैं, वो सभी हमने चेक किए। उसमें से हमको ध्यान में आया कि इसमें स्प्लेंडर गाड़ी का यूज़ हुआ है और इसमें जो CCTV फुटेज हमने गुप्त बातमीदार बाकी के लोगों को दिखाए तो उसमें से पता चल गया कि इन लोगों ने इसमें वारदात की है। उसके तो फिर हमने हमारी टीम 4 टीम करके इनको आरोपी लाने के लिए भेज दिया और उनको उन्होंने अरेस्ट कर लिया। ऐसे 7 आरोपी जिन्होंने उस टाइम पर दरोड़ा किया है उनको अरेस्ट कर लिया, उनसे हमने माल भी जमा किया है जो गुने में यूज किए हुए 2 बाइक स्प्लेंडर और करिश्मा वो भी जब्त किए हैं, इनके 7 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं और इनको
अभी कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इसमें सभी मिला के टोटल आठ आरोपी है। हमने उसमें से साथी आरोपी अरेस्ट कर लिए और लास्ट वाला एक आरोपी बाकी है। तो ये आठ आरोपियों ने मिलकर ये काम किया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट। Or set myself free. I want the best of both worlds, like electric and petrol. I'm a hybrid just like you, and it's high time we met. Introducing the Toyota Urban Cruiser Highrider, the self-charging hybrid electric SUV.